नागरिकता संशोधन कानून और होली के त्योहारों को मद्देनजर शांति व्यवस्था को लेकर बागपत पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते बागपत पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस लाइन सभागार में शांति समिति की एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें पहुंचे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और वहीं डीसीपी बागपत ने बोलते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और जिले में धारा 144 है, अगर किसी ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ चेतावनी दी है। कि दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बवाल हो रहा है और असामाजिक तत्व के लोगों को भड़का कर बवाल कर रहे हैं, जिसके चलते हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन और बवाल हुआ, जिसके लोगों की जान तक चली गई। वही अब चूंकि होली के त्यौहार नजदीक है और यूपी के बागपत में किसी तरह का माहौल खराब ना हो, इसलिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और आज डीसीपी बागपत प्रताप मुजुमदार और पीएम अमित कुमार की अध्यक्षता में पुलिस लाइन में बागपत मीटिंग को आयोजित किया गया है, जिसमें पहुंचे जनपद के हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों से अधिकारियों ने शांति व्यवस्था बनाई। किस संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी? देखिए, आपको पता होगा 9 तारीख को होलिका दहन है और 10 तारीख को होली मनाया जाएगा, जो झंडी है उसको देखते हुए पूरे जनपद की एक शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को बुलाया गया था और हमारी फोर्स के भी लोग थे, थाने के भी लोग थे, प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी अमले हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे वो मेडिकल से हो, हर जगह से लोगों को बुलाया गया था ताकि एक दूसरे से इंटरेक्शन करके जो पिछले विगत वर्षों में अगर कोई समस्या आई हो तो उसका भी समाधान निकाला जाए और किस तरीके से जो परिस्थितियां बनी है उसमें शांतिपूर्ण ढंग से हमारा त्यौहार सुसंपन्न हो, उसको देखते हुए मीटिंग बुलाई गई थी। जितने भी मौजूद लोग थे, गणमान्य लोग थे, उनसे वार्ता की गई, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, जनता के सामने अपील भी रखी है। इसके अलावा हमने जो भी पीछे घटनाक्रम हुए थे उनके संबंध में और जो आने वाला आगामी हमारा संभावित वो है होली का पर्व है, त्यौहार है, उसको देखते हुए जो भी संभावित चीज़ें हैं उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। जो भी निर्देश पहले से हम लोग को प्राप्त होते रहे हैं उस पर और अभी जो तत्काल अधिकारियों द्वारा, सीनियर अधिकारियों द्वारा जो भी निर्देश हम लोग को मिले हैं उससे लोगों को अवगत कराया गया और ये अपील की गई है कि अपने अपने स्तर पर सभी लोग विजिलेंट रहेंगे, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कोई छेड़खानी की घटना या दूसरे मजहब के लोगों के ऊपर रंग डालने की घटना, किसी मंदिर मस्जिद में रंग को लेकर के कोई विवाद की घटना, वो किसी की वजह से या इस तरह की चीज़ों की वजह से किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से ये त्यौहार मनाया जाना चाहिए, इसी पे आज हम लोगों ने डिटेल में वार्ता की। दिल्ली में भी बवाल हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसके बाद यहाँ के हालात ना बिगड़े उसके क्या इंतजाम किए? देखिए, निश्चित तौर से जो परिस्थितियाँ हमने बताया कि बनी हुई हैं उसको लेकर के हम लोग काफ़ी सतर्क हैं और संवेदनशीलता थोड़ी सी बढ़ी हुई है, उसी को देखते हुए ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। ये एक तो निर्देश हुआ है कि जितने भी हमारे SDM साहबान हैं, जितने CO साहबान हैं और जितने भी हमारे थाना अध्यक्ष हैं वो अभी विजिट करेंगे, कुछ स्थान